नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और लोगों से इस विषय में नमो ऐप के जरिए अपने विचार और जो बातें हैं वो सुझाव साझा करने को कहा है। पीएम काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान पीएम मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। बूथ अध्यक्ष के नाम प्रदेश आलाकमान को भेज दिए गए हैं। कार्यक्रम में विधायक, क्षेत्राधिकारी, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने आगे कहा है कि सांसद बनने के बाद से अब तक पीएम 31 बार बनारस का दौरा कर चुके हैं। कांची क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम सुबह करीब 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री प्रमुख रूप से सभी बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। यूपी चुनावों के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह के 23 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने की संभावना है। गृहमंत्री के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। उसी तैयारियों के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन चला। सोमवार की दोपहर से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली। इस बैठक में बीजेपी ने तमाम बड़े नेता और यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस चुनावी महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अन्नपूर्णा देवी और संजीव चौरसिया जैसे नेता बैठक में मौजूद थे। इस मंथन का मुख्य एजेंडा गठबंधन में जाने वाली सीटों का आंकड़ा तय करना था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीट की संख्या तय हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में हुई इस चर्चा के बाद देर रात एक बैठक यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर भी हुई, जहां सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल के अनुप्रिय पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला। अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ चर्चा होगी। अगर सब ठीक रहा तो इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में ठिठुरन बढ़ रही है, जिसकी वजह से सर्दी का सतम लोग झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली, यूं ही ठिठुरन जारी रहेगी। हालांकि उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर 21 जनवरी से सक्रिय हो रहा है। इसका असर हल्का होगा, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में 21, 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री ऊपर ही उत्तर भारत में रहेगा। एमडी ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से इन जगहों पर कड़ाके की ठंड जारी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और रात के समय कोहरे के छाए रहने के अनुमान बने हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा चंडीगढ़ का मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहाँ भी कोहरा छाए रहेगा। देश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली, मुंबई में कोरोना केस घटे हैं, लेकिन कई राज्यों में वायरस का प्रकोप बढ़ा भी है। दिल्ली में सोमवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो रविवार के 18,000 से ज्यादा मामलों की तुलना में 31% कम है। वहीं पिछले दिन 28 लोगों की तुलना में 4 कम मौतें हुई हैं, यानी कि 24। इस बीच दिल्ली की संक्रमण दर
27.99% है, जो रविवार को 27.87% से मामूली ज़्यादा है। एक्टिव कोविड मामलों में भी करीब करीब 89,000 से ज़्यादा मामलों में लगभग 6,000 से ज़्यादा मामलों की गिरावट के साथ 83,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड से उभरने की दर 93.65% है। दिल्ली में एक्टिव कोविड मामलों की दर 4.87% है, जो मृत्यु दर 1.47% बताई जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने के संदर्भ में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि पार्टी नेताओं के बीच इस विषय पर बातचीत का दौर निरंतर चल रहा है। पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस पक्ष में नहीं है कि हरक सिंह रावत को उनकी शर्तों के आधार पर पार्टी में लिया जाए। हरक सिंह रावत को रविवार को उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बर्खास्त करने के साथ ही बीजेपी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से तक हरक सिंह रावत के मुद्दे पर लंबी मंथना की है और पूर्व मंत्री को पार्टी में वापस लेने से होने वाले नफे नुकसान पर मंथन किया है। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया कि आज उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन नेताओं ने आगे इस पर विचार विमर्श जारी रखने का फैसला किया। सभी ने इस पर सहमति जताई कि आलाकमान का कोई भी निर्णय सबको मान्य होगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हरीश रावत हरक सिंह रावत को उनकी शर्तों के आधार पर पार्टी में लेने पर सहमत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2016 में हरक सिंह रावत और कई अन्य नेताओं के बगावत का हवाला देते हुए कहा कि इन लोगों ने उत्तराखंड लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जो भी फैसला करेंगे उसे वह अपनी पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। संघ लोक आयोग, राज्य सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए अभ्यर्थी सोहन कुमार ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण में बहुत से अभ्यर्थियों की परीक्षा से सम्मिलित होने की आयु समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण वो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते। ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य को जो सपने हैं वो टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि पिछले 2 सालों के सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो सभी अभ्यर्थी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट है और रोजाना कई तरह के बदलाव देखने के लिए भी मिल रहे हैं। ऐसे में एक और नया फैसला चुनाव आयोग का सामने आया, जहां यदि कोई पति और उसकी पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से एक को उनके आवेदन के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए। पीलीभीत में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे द्वारा मतदाता जागरूकता लोगो और बैनर का विमोचन किया गया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारियों महिला मतदाताओं को 23 फरवरी को सहपरिवार अधिक से अधिक मतदान करने हेतु मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु मनमोहक रंगोलियां बनाई गई, जिसमें मतदान हेतु स्लोगन मतदान के महत्व को दर्शाया गया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विमोचन किए गए लोगों को कार की गाड़ियों पर चस्पा करने के उपरांत गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करते हुए 23 फरवरी को मतदान करने हेतु लोगों को जागरूक कर रही है। जनपद पीलीभीत में आयोग के निर्देश के क्रम में है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पीलीभीत के अपने बैनर का लोगों का आज अनावरण करा गया। साथ ही साथ गाड़ियों पे लगने वाले स्टिकर्स का भी अनावरण करते हुए कई गाड़ियों पे है ये स्टिकर लगाते हुए मतदाताओं को जागरूक होने का संदेश दिया गया। एक मोहर का भी अनावरण करा गया है और जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा अब से इस मोहर का प्रयोग अपने सभी पत्रों पर करा जाएगा। इस सभी से मकसद यही है कि हम लोग सभी मतदाताओं को जागरूक करें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में
पर जाएं और अपना वोट जरूर दें। कोविड-19 रोकथाम के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन कार्य को एक साल पूरे होने की खुशी जाहिर करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर के डॉक्टर्स ने कहा है कि वैक्सीनेशन का एक साल पूरा हो चुका है। वहीं इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना जरूर करें, इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप पांडे ने कहा कि दिनेशपुर क्षेत्र में 90% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की डोज ले चुके हैं। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन जोर शोर के साथ किया जा रहा है। एक साल पूरा हो गया है, इसमें मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं। के दो साल के अंदर हमारे क्षेत्र में 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, प्रथम डोज, और द्वितीय डोज का भी चल रहा है, उसमें भी अधिकतर लोगों ने लगवा लिया। क्या चरण चल रहा है और कितना हो गया इसमें है? इसमें भी काफी तीव्र गति से लगाया जा रहा है। लालकुआ में आदर्श आचार संहिता और कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के लिए लालकुआ पुलिस वरिष्ठ अधिकारी शांतनु पराशर ने लाइसेंसी हथियार धारकों को चेतावनी दी है कि जल्द ही सभी लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियार कोतवाली में जमा करवा दें, नहीं तो पुलिस की ओर से उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजकर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की दखल ना हो, इसके लिए अराजक तत्वों पर नजर भी रखी जा रही है। क्षेत्र में हमने व्हाट्सएप के माध्यम से तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से भी बता दिए गए, जितने अपने लाइसेंसी शस्त्र धारक हैं इनके द्वारा शस्त्र अपने कोतवाली में जमा करने हैं, तो इस संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है और जमा की कार्रवाई ज़्यादातर लोगों ने पूरी कर चुके हैं, जो कुछ लोग रह गए हैं उनके खिलाफ भी अभी मतलब जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। भगवानपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उनके परिवार के दो टुकड़े करने वाला विभीषण कौन है, इन सभी मुद्दों को लेकर सुबोध राकेश से खास बातचीत की। हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने क्या कुछ कहा सुबोध राकेश ने, आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त भगवानपुर में है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम भगवानपुर पहुंची है। सुबोध राकेश जो बसपा से प्रत्याशी है उनके पास आई है, चुनाव की क्या स्थिति है उनसे बात करेंगे। सुबोध जी, चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है, कितनी चुनौती मान रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, चुनाव आयोग ने अगर रोक लगाई है तो हमारे बेहतर भविष्य के लिए लगाई है, हमारे भले के लिए लगाई है, इस क्षेत्र के आवाम के लिए लगाई है। हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए, इस आम आदमी के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने प्रदेश के लिए चुनाव आयोग एक सख्त निर्णय लेकर आगे बढ़ रहा है। हम उनका निश्चित रूप से अभिनंदन करते हुए, और आगे भी हमारा भी यही प्रयास है कि तमाम लोग इस महामारी से बचें, तमाम लोग इस महामारी की चपेट में जो पिछले साल आए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हमारा जान माल का पिछले साल इस देश में हुआ है, उस व्यवस्था को कंट्रोल हम करें, उस व्यवस्था को मजबूती के साथ हम लेकर आगे बढ़ें, ऐसी विश्वास के साथ मैं अपनी आम आदमी से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, सभी से आग्रह करता हूं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, चुनाव भी लड़ना है, सारी परिस्थितियां एक सामने जो हमारे आ रही हैं उनको मजबूती के साथ उनका सामना करते हुए, सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए चुनाव की जीत की तरफ हमें बढ़ना है। भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ राकेश परिवार एक बहुत ही प्यार था परिवार में, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई के राकेश परिवार के दो टुकड़े हुए और 2017 में आपको अलग चुनाव लड़ना पड़ा, क्या परिस्थिति आ रही है इसकी? देखिए, इसका कारण है परिवार में, जैसे रामायण के समय में आपने विभीषण का सिस्टम देखा कि विभीषण कौन है? विभीषण है, भगवानपुर विधानसभा में भी हमारे इस व्यवस्था में भी विभीषण है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक दोगला नेता है जो आज भारतीय जनता, नाम क्या है सुबोध जी, नाम बताइए? नाम देवेंद्र अग्रवाल है और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठा है और कांग्रेस पार्टी की विधायक की कमान आज भी उसी के हाथ में है। उसी दोगले नेता के कारण, उसी विभीषण के कारण मेरे परिवार में दरार पड़ी, और उनका मकसद है सिर्फ अपनी जेब भरना, उनका मकसद है अपनी तिजोरियाँ भरना, उनके ना तो उनको किसी परिवार से मतलब है, ना उन्हें किसी क्षेत्र से मतलब है, ना उन्हें किसी विकास से मतलब है, ना उन्हें किसी के सम्मान से मतलब है, वो मात्र एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ता है, और उसके जो भी इक्का दुक्का सिस्टम के लोग हैं कि उनकी तिजोरियां कैसे भरें,
सुबोध राकेश 2017 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो उनके नाम से विधायक बने हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि 2017 में विधायक बने, 2018 में, 2019 में कहीं माननीय मंत्री जी की बरसी नहीं हुई, 2017 में कहीं फूल नहीं चढ़ाए गए। हम पूछना चाहते हैं कि मात्र वोटों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले साल उन्होंने बरसी करने का नाटक किया और अब की बार होगा, अब की बार देखना आप, अब चुनाव है 7 तारीख में आने वाले, हमारे माननीय मंत्री जी की बरसी का कार्यक्रम है आज, अब की बार देखना आप वोटों के लिए क्या ये राजनीति कर रहे हैं, क्या उनका सम्मान कर रहे हैं। 3 साल 2017 के बाद 2018 2019 2020 रिकॉर्ड दिखाइए, सोशल मीडिया चलता है, सबका रिकॉर्ड पड़ा है। अगर कहीं भी इन लोगों ने सम्मान के साथ अपने उस कद्दावर नेता, अपने उस पति का सम्मान किया हो जिसके माध्यम से विधायक बने बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। अगर सुबोध राकेश की बात करें, 2017 से लगातार अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए उनकी बरसी बनाने का कार्यक्रम अपने मंदिर में, रविदास मंदिर में करता हूँ, क्षेत्र के सर्व समाज के लोग आते हैं, और मात्र राजनीति नहीं करता हूँ, ये श्रद्धा है, ये प्रेम है, ये अपने पिता तुल्य अपने बड़े भाई के प्रति मेरे अंदर सम्मान है, वो मैं लेके आता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा। लगता है सुबोध जी का गुबार जो है निकल रहा है आज, ये गुबार है, ये तो निकल रहा है, निकला भी है, लेकिन इस गुबार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मात्र व्यक्तिगत सिस्टम के लिए जी रहे हैं, वो आज लोगों के सामने रोने धोने का ड्रामा कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा काम करते 7 साल में जो जनता जाकर खड़ी होकर कहती कि आओ हम तुम्हें विधायक बनाएंगे, रोने धोने की आवश्यकता कैसे थी? 2017 में भी रोने धोने का ड्रामा हुआ, अब की बार भी वही चल रहा है, अब नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है कि रोने धोने वाले नेता मात्र रोने धोने के लिए बने हैं, वो काम के किसी के नहीं है, वो व्यवस्था के किसी के नहीं है, वो सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं। 7 साल में विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक जी पूरी तरह फैल हो गई हैं, पूरे सर्व समाज, पूरा क्षेत्र, विधायक जी फेल हो चुकी हैं। तो सुबोध राकेश जी का साफ तौर से कहना है कि 7 साल से विधायक ममता राकेश जी पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और वो भगवानपुर के सिस्टम को नहीं चला रही हैं। इस बार भगवानपुर की जनता सुबोध राकेश पर विश्वास जता रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि भगवानपुर की जनता सुबोध राकेश को भगवानपुर से विधायक बनाती है या तीसरी बार ममता राकेश को विधायक बनाती है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, भगवान। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री और वन मंत्री हरक सिंह रावत को पद से निष्कासित करने के बाद क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए लकी शाम बनेंगे? उत्तराखंड में चुनाव आते ही राजनेताओं की अदला बदली पर क्या कहती है प्रदेश की जनता, इसी को जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने लोगों की राय ली। इस दौरान क्या रही जनता की राय, सुनिए। नमस्कार, मैं निशा भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चुनाव आते ही सियासी उलट पुलट चालू हो जाती है और इसी बात को मद्देनजर रख आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को चुनाव का आयोजन होने जा रहा है और इसी बात को मद्देनजर रख यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में फिर से अदला बदली का माहौल चालू हो चुका है। पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए हरक सिंह रावत फिर से अब चुनावी चर्चा बन चुके हैं और अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने के लिए फिर से तैनात हो चुके हैं। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत वन मंत्रालय संभाल रहे थे और अचानक से बीजेपी ने उनकी 3 सीटों पर मांग करते ही उनको वहां से निष्कासित कर दिया है और अब वो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसी बात का क्या असर जनता पर भी पड़ रहा है, क्या चुनाव पर इसी बात का असर पड़ेगा, इसी बात को मद्देनजर रख हम लोगों से बातचीत करेंगे और जनता की राय जानेंगे कि इस बात को लेकर उनका क्या मानना है कि हरक सिंह रावत कैसे मंत्री थे और चुनाव आते ही उनका अदला बदली का माहौल क्या पहले से चला आ रहा है या फिर कोई नई बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, 14 फरवरी को चुनाव का आयोजन है और उस बीच हरक सिंह रावत की इतनी बड़ी खबर आई कि उन्होंने उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि ये आजकल की सियासी चाल है बेटा, जहां पलड़ा भारी देखा वहीं का रुख कर लिया। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है ये, क्योंकि ना तो मेरी कोई बीजेपी सहायता कर रही है ना मेरी कोई कांग्रेस सहायता कर रही है, तो मुझे किसी का डर नहीं है, ना तो मेरी पेंशन बंदी है। हरक सिंह रावत जी के यहाँ कांग्रेस के उसमें मैं रोज जाती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी किसी टाइप की भी ना सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं ये सरकार से दरखास्त करना चाहती हूँ कि कम से कम हमारे 2 बुजुर्ग लोगों की सुने तो सही कम से कम। और हरक सिंह रावत जी का क्या है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस उनका पलड़ा ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है बस। आपको क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में
अलग सिंह रावत की अदला बदली कोई बड़ा पहलू कर सकती तो मुद्दा उठेगा ही बेटा, ये तो उठेगा ही, क्योंकि जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है तब तुम उल्टा पलटी कर रहे हो। तो कांग्रेस में जब तुम इतना कांग्रेस भवन में आते थे तो अब बीजेपी में जाने की क्या जरूरत है, अब लात पड़ गई ना वहां से। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि ये मत करो कि जहां वजन देखा वहीं, जहां वो देखा कि हाँ भाई यहाँ पे इस बार बीजेपी की जीतने की उम्मीद है तो बीजेपी को ही वो कर दो, सपोर्ट करो। ये नहीं होना चाहिए, जिस आप दल में हो उसी दल को सपोर्ट करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत वन मंत्रालय संभाल रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे कि वो अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के मंत्री थे? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को ना मैंने जाके जज किया उनको ना मुझे पता है, क्योंकि हम तो छोटी, जब हमारी पेंशन नहीं लग रही तो अपना ही रोना खत्म नहीं हो रहा तो उनको क्या देखूं बेटा मैं, ये बताइए ना मुझे। अब हम दो जने हैं, हम बुजुर्ग लोग हैं दोनों, ना तो हमारी पेंशन बन रही है। आज मैं धन जन योजना में गई तो वहां पे मुझे जवाब मिला कि आपका खाता ऑलरेडी खुला हुआ है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए। अब इस टाइम मैं चाय बेच के गुजारा कर रही हूँ। मैं तो मोदी जी से दरखास्त करूंगी कि किसी तरह वो मेरी अपील तो सुने। मैं ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि मैं चाय बेच के अपना गुजारा कर रही हूँ इस टाइम। चाय में आपको, आपने भी तो चाय बेची है ना, उन्होंने भी चाय, जैसा लोग कहते हैं। अब हमें पता नहीं कि उन्होंने चाय बेची है या नहीं बेची है, सुनने में आया है कि उन्होंने चाय बेची थी। तो उनको आम एक 64 साल की बुजुर्ग लेडी की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? ये कहना चाहती हूँ मैं बस कि मेरी पेंशन बंदे किसी तरह मुझे एक आवास योजना का मेरे लिए वो, हमें तो एक कमरा बहुत है दोनों बूढ़े बुढ़िया को, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है किसी भी टाइप की। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि लगातार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारों में अदला बदली पहले से ही चली आ रही है और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरीके का माहौल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बना हुआ है। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ना मैं किसी चुनाव पे बोलने वाला हूँ ना ही किसी पार्टी पे। माता जी की एक बात मैंने सुनी तो माता जी ने कहा कि मैं अभी, मेरी विधवा पेंशन नहीं है और ये नहीं, सॉरी जो वृद्ध पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं मिली। तो आप इससे ये समझिए कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, क्योंकि हमारे देश का अमीर वर्ग का समाज कभी किसी को समान रूप से देखना ही नहीं चाहता। और दूसरा कि सब अतिरिक्त के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करता। और पहली बात तो ये है कि मैं आप मीडिया के माध्यम से भी, आप मीडिया वालों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप चौथा स्तंभ है संविधान का। और यदि अगर आप सब ये बात नहीं करेंगे कि इतने हमारे अमीर लोग हैं, देखिए संसार में सब कुछ फ्री है, लोगों ने कीमत लगा रखी है, कर देंगे तो कोई फर्क नहीं। आप ये समझिए कि ये जो पेट्रोल है, ये खाद्य पदार्थ हैं, इस पर आपने कीमत लगा रखी है, क्यों? मुझे ये समझाइए भाई, कीमत लगाने की, आप पे पैसा है तो सब कुछ है, आप पे पैसा नहीं है, आप पे डायरेक्टली आप किसी भी कहीं पे भी चले जाइए कुछ काम नहीं हो सकता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारे एजुकेशन पे क्या किया है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, मैं नहीं बोलता हूँ, और काम भी होता है तो दिखता है। आपने, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव आ सकता है? देखिए बदलाव तो ये है कि हमारे देश में एक भेड़ चाल है और एक ग्लैमराइजेशन है, और हमारे देश में लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कि हमें अपने गाँव के लिए क्या करना है, तो देश की, देखिए मैं देश के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने गाँव तक ही सोच के अपने लेवल तक ही कर सकता हूँ, तो मुझे अपने गाँव पे ध्यान रखना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, बाहर शहर में निकल जाते हैं, बोलते हैं ऐसा डेवलप होना चाहिए, ये लोगों की मेंटेलिटी बहुत गलत है, क्योंकि जब लोग ही सही नहीं होंगे तो सरकार उनको कहां से सही मिलेगी, जैसी राजा जैसी प्रजा वैसी राजा। चलिए अब और लोगों से भी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनेताओं की अदला बदली उठक पटक स्टार्ट हो चुकी है, और उसी बीच हरक सिंह रावत की एक बड़ी खबर आती है कि वो अपनी, उनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो सही था, सब सही है, अपनी अपनी जगह पर तो सब सही है, लेकिन जो काम अच्छा करते हैं वो अच्छा है, जो काम ही नहीं करता उसको कौन वोट देगा, यही है ना। और अदला बदली तो सब नेतों की होती रहती है, जो भी नेता है अदला बदली करते ही रहता है, कोई कभी कोई आया कभी कोई आया, जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि हरक सिंह रावत की अदला बदली से कांग्रेस में शामिल होने से क्या राजनीति में फर्क पहुंचेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नेता और आएगा वो अच्छा ही काम करेगा,
यही है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत का ये पहलू आम जनता पर क्या असर डालेगा, कि आपका बीजेपी से कांग्रेस में वोट डालने का फैसला बदलेगा या कांग्रेस से बीजेपी में? बीजेपी सही है अपनी जगह पर, वो काम सही कर रही है, जितना काम कर रही है ना यहाँ पर हमने देखा है, काम होया वया बीजेपी ने बहुत काम किया है, हर जगह काम अच्छा कर रही है बीजेपी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।